वेलकम गाइस, आज इस वीडियो में हम जा रहे हैं पगोड़ा, जो गोरई बीच के पास मुंबई में है। और ये पगोड़ा बीच मेडिटेशन सेंटर है। इस ट्रिप में हमारे साथ दो इंटरनेशनल फ्रेंड मस्जिद एंड पेरिसा, जो हमारे गेस्ट बन के आए हैं, और उन्होंने पगोड़ा देखने के लिए ही हमको सजेस्ट किया। पगोड़ा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये गौतम बुद्ध के मेडिटेशन सेंटर के ऊपर है, जहाँ पर लोग आके मेडिटेशन करते हैं। एंड सेकेंड वन दैट लेजा यू सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। माजी नाउ यू वाय ऐप से हम लोग गोरी बीच पहुंचे। और गोरी बीच पे पहुंचने के बाद हम लोगों ने टिकट लिया बोट के लिए। ये यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, और ये आपको रिटर्न टिकट मिलेगा जहाँ से आप पगोड़ा के लिए जाएंगे। ये 10 मिनट का जर्नी है। बोट से बैठ के आप दूर से ही पगोड़ा टेंपल देख सकते हैं, और इसका नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखता है। और क्योंकि ये एकदम समुद्र के बीचों बीच है, तो इसका खूबसूरती आप देख सकते हैं वीडियो में। और यहाँ पे एक्सल वर्ल्ड भी है, तो ये दोनों एक साथ है। जब आप पिकनिक प्लान करें या कुछ टूर प्लान करें, तो आप ये दोनों चीज़ें एक साथ कवर कर सकते हैं। बोट आपको 10 मिनट में पगोड़ा टेंपल के पास ड्रॉप करेगी। वहाँ से आपको 5 से 10 मिनट का वॉक करना पड़ेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक गार्डन टाइप से है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक्सल वर्ल्ड है, और लेफ्ट हैंड साइड में एक रोड जाता है, जो 5 से 10 मिनट के वॉक के बाद आपको पगोड़ा टेंपल तक पहुँचा देगा।
जैसे ही हम टेंपल के बिल्कुल सामने वाले गेट पर पहुंचे, हम सब लोगों ने एक सेल्फी लिया जैसा हर कोई करता है, और उसके बाद हम लोगों ने एंट्री लिया। क्योंकि हमारे साथ इंटरनेशनल गेस्ट थे तो उनका उन्होंने नेम एंड एड्रेस भी लिखवाया हमसे। बाकी इंडियन लोगों के लिए इस तरह का कुछ रूल नहीं है, दे कैन जस्ट गेट ए एंट्री डायरेक्टली। आप एंट्री के बाद थोड़ा स्टेयर्स से ऊपर जाते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एक बेल दिखाई देती है। ये बेल मेनली मेडिटेशन जो लोग करते हैं जब उनका कैंप लगता है तो उन सबको इन्फॉर्म करने के लिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज की जाती है। बाकी जब मेडिटेशन होता है या फिर यहाँ पर कैंप लगता है तब नॉर्मल लोगों को अलाउ नहीं करते हैं, वो लोग केवल जो मेडिटेशन करते हैं उन लोगों को ही यहाँ पर परमिशन दी जाती है। और पागोड़ा में आपको 10 डेज मेडिटेशन का कोर्स एक है जो आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको लिविंग और फूड एकोमोडेशन सब कुछ फ्री है। तो भी ऐसी कर लेंगे। क्योंकि पागोड़ा मेडिटेशन सेंटर है, यहाँ पर भगवान का स्टैचू नहीं है, यहाँ पर ये धार्मिक श्लोक और इस तरह के लाइनें लिखी हुई है। यू कैन सी द व्यू ऑफ टेंपल और मेडिटेशन सेंटर, इट्स ह्यूज एंड इट्स वाइड, 8,000 पीपल कैन सिट together for the meditation in this temple. On the back end side of the temple there is a waterfall and park together. This is the view of waterfall where there is a beautiful statue of Gautam Buddha and other. Now we move towards the park. Aur ye park kafi well maintained hai. यहाँ पे काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं बच्चों के लिए सो दे कैन एंजॉय। पार्क में मस्ती टाइम स्पेंड करने के बाद वी वर हंग्री तो हम लोग कैंटीन की तरफ मूव हो गए। यहाँ पे दो कैंटीन हैं, एक कैंटीन अपर साइड है जो थोड़ा छोटा है, दूसरा कैंटीन है जो स्टेयर से नीचे जाके लेफ्ट हैंड साइड में आता है। जब आप कैंटीन की तरफ मूव करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में गौतम बुद्ध का एक स्टैचू है। गौतम बुद्ध वाज फेमस फॉर मेडिटेशन और वो बिहार में उनका बॉर्न हुआ था, लेकिन उसके बाद
ये वो म्यांमार चले गए और आज इंडिया में हम लोग उनका मेडिटेशन जो है उसका इतना वैल्यू नहीं है, बट हमारा जो नेबर कंट्री है म्यांमार वहाँ पे ये काफ़ी फेमस है और इसीलिए जो ध्यान गुरु थे वो इसको इंडिया लेके आए। पागोडा में उन्होंने काफ़ी सारे ब्रांचेज ओपन की हैं जहाँ पे आके हम लोग मेडिटेशन कर सकें। कैंटीन में जब हमने खाना खाया, यहाँ का कैंटीन पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हुआ है और कुछ लिमिटेड आइटम ही अवेलेबल हैं और उनका क्वालिटी भी इतना ठीक नहीं है। सो, अगर आपको आना है तो आप अपना आइटम जो भी खाने का है घर से लेके आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपको अगर पानी या जूस चाहिए वो सारा चीज़ नॉर्मल अवेलेबल रहता है। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक होम, तो जाने से पहले एक दोबारा से सेल्फी तो बनता है, तो हमने भी एक सेल्फी लिया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।